अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के जिला संयोजक डीएस परिहार ने कहा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास योजना अंतर्गत एमपी टॉप्स के नवीन आवेदक वर्ष 2021-22 के लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जनजातीय वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक अभी तक आवेदन लंबित है। यह स्थिति आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 की स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग के 143 छात्रों के आवेदनों का सत्यापन करना लंबित है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवृत्ति के प्रकरणों का निराकरण न करना, अपने पास लंबित रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 4 के तहत प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा पालन किए जाने के लिए जानबूझकर अपेक्षा करने पर कारावास, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं हो सकेगी, तथा 1 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 तक छात्रवृत्ति के 100% लंबित प्रकरणों का सत्यापन तत्काल कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन संस्था प्रमुख के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। जिला संयोजक ने बताया कि पेंटियम पॉइंट तकनीकी कॉलेज के पास अनुसूचित जाति वर्ग के 26 आवेदन निराकरण के लिए लंबित है। गुड़ के जाहिद खान कॉलेज के पास 21 आवेदन, एमएल सिटी के पास 14 आवेदन, जवा के ICBS कॉलेज के पास 9 आवेदन, एम गोपाल राव प्राइवेट ITI के पास 6 आवेदन, TRS कॉलेज के पास 5 आवेदन, बैकुनपुर के श्री साईं तकनीकी महाविद्यालय, रतहरी के छत्रपति साहू BEd कॉलेज, श्री कृष्णा फार्मेसी कॉलेज एवं श्री प्रोफेशनल स्टडीज के पास 4-4 आवेदन, रतहरा के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, संघ मित्रा कॉलेज एवं शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के पास 3-3 आवेदन, शासकीय कन्या महाविद्यालय लाल गाँव का सुदर्शन कॉलेज, गगेव का श्रीयुद्ध कॉलेज, सतपुरा प्राइवेट, ITI चाक घाट का नेहरू स्मारक कॉलेज, महेसुआ का उत्कृष्ट BEd कॉलेज, रतहरा का SBP शिक्षा महाविद्यालय, ससांग प्राइवेट कॉलेज, शासकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, महेश्वरी प्राइवेट ITI, शासकीय MS गोलवलकर कॉलेज में 2-2 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने बताया कि शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, रीवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मनगमा का कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज, नेशनल BEd कॉलेज, सुहागी प्राइवेट ITI, सतपुरा प्राइवेट ITI, पार्वती प्राइवेट ITI, TD एजुकेशन कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, शासकीय संभागीय ITI, शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज रतहरा एवं गुरु वशिष्ठ प्राइवेट ITI के पास 1-1 आवेदन लंबित है।